खबर का रुख करेंगे रायपुर से। इस वक्त मिल रही है, अब विधानसभा का घेराव करेंगे विद्या मितान शिक्षक। 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव के लिए बनाई जाएगी नीति। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 61वां दिन है। महिला शिक्षक अपने नवजात शिशुओं को लेकर भी हड़ताल पर बैठी हुई हैं। धरना स्थल पर इनकी दीपावली, भाई दूज, जेठवानी आदि तमाम त्योहारे यहीं पर इनके मने हैं। बहाली एवं नियमितीकरण की मांग इनके द्वारा लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर विधानसभा के घेराव की तैयारी में अब ये सभी लोग बताए जाते हैं। विद्या मितान के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 61वां दिन है। तकरीबन आपको बता दें 2 महीने 1 दिन यानी कि 61 दिन पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। क्योंकि 2018 में जब विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त मैनिफेस्टो में जो वायदा किया गया था कि जितने भी कंटेंजेंसी में जो तमाम कर्मचारी काम करते हैं, जिनको रमन सरकार में, बीजेपी की तत्कालीन सरकार में जिनको रेगुलाइज नहीं किया गया है, उनको परमानेंट किया जाएगा। साथ ही तमाम ऐसे वादे किए गए थे और उन वादों पर भरोसा करते हुए इन तमाम लोगों ने वोट कास्ट किया। अब ये सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिए, लेकिन इनका वादा पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते अब ये विधानसभा के घेराव की तैयारी में है। 28 दिसंबर को ये विधानसभा का घेराव करेंगे।